हमारी कहानी शुरू होती है बाल्टिक सी के मध्य से, जहां एक डेनिश मर्चेंट शिप पर्शियन तट की तरफ बढ़ रहा है और इस शिप पर एक निराश व्यापारी भी सवार है जो समुद्री यात्रा के कारण बीमार है। ये क्रिश्चियन है और इसका नाम लार्स है। मध्यकालीन पुस्तकों में लिबर सेंसेस डेनिया ने एक व्यापारी का उल्लेख किया है जिसने डेनिश के राजा किंग वाल्डेमर सेकंड के कहने पर जासूसी करने के लिए बाल्टिक ट्राइब्स के इलाकों की यात्रा की। लार्स हमारे लिए हमारी आंख और कान का काम करेगा उस देश में जहां यूरोप के आखिरी बुतप्रस्त रहे। अगर मुझे भविष्य का रत्ती भर भी ज्ञान होता तो मैं इस यात्रा पर कभी ना निकलता, लेकिन तब मैं जवान था और मैं इस दुनिया और लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मैं अपने कारोबार में काफी माहिर था और मैं अच्छे से जानता था कि कहाँ से कम कीमत पे माल खरीदना है और कहाँ उसे ऊंचे दाम में बेचना है। बंदरगाह पे मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यापारी से हुई जो मेरे पिता के दोस्त थे। वो वहाँ एम्बर खरीदने आए थे। जो सामान मैंने खरीदा था उन्होंने उसकी खूब तारीफ की और उन्होंने मुझे समझाया कि दूसरी जातियों के इलाके में वहाँ के लोकल गार्ड्स के बिना मैं घूमने ना जाऊँ। वहाँ की लोकल करेंसी ओशरिंग का एक बंडल देकर मैंने कोर्शेटेट नाम के एक शख्स की पहचान छुपा दी। वो अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था और उसे अपनी जमीन जायदाद में से कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए कोर्शेटेस ने पैसे के लिए अपनी ताकत और हुनर को बेच दिया। समुद्री तट के रिवाज के मुताबिक मैंने मेरे पिता के दोस्त के साथ गिफ्ट एक्सचेंज किया और बदले में उन्होंने मुझे मेरा एम्बर नेकलेस दे दिया। मानना पड़ेगा बुत परस्त हो या ना हो, लेकिन कला में उन्हें महारत हासिल थी। जब मैंने बदले में उन्हें कुछ देने की पेशकश की, उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे कहने लगी कि क्रिश्चियन सिंबल्स को मैं अपने लिए ही रखूंगा। हालांकि पर्शियन लोग इतने असुरक्षित समय में भी बहुत ही शांति प्रिय थे। जब मैं इस खतरनाक यात्रा का प्लान बना रहा था, उसी दौरान मैंने किंग वाल्डेमर के एक व्यापारिक शहर ट्रुसो के बारे में पढ़ा, जहां पर डेन्स, गॉटलैंडर्स और सूडस आते और दूसरी जाति वालों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से गिफ्ट एक्सचेंज करते। ट्रुसो पहुंचने पर मुझे वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जैसा कि मैंने पढ़ा था, बल्कि वो मछुआरों का एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था। एम्बर रोड के साथ बसा ये एक प्रसिद्ध पुराना शहर अपनी चमक खो चुका था और अब जर्जर हो चुका था। शाम होते होते मुझे एक बात का एहसास तो होने लगा था कि दूसरी जाति के ये लोग इतने भी भयानक नहीं हैं और ये पर्शियंस हम क्रिश्चियंस से कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं हैं। लेकिन जल्दी ही एहसास को झटका लगा और मेरी सोच बदलने लगी जब मैंने जिस्म का खून जमा देने वाला नज़ारा देखा। इन पर्शियंस ने अपने धर्म गुरु को किसी अपराधी की तरह बंदी बना लिया था। रोमन एम्पायर से निकलकर ईसाई धर्म की लहर यूरोप के आसपास बहुत तेजी से फैली और इस लहर ने विश्व में सदा के लिए बदलाव लाना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म अपनाने वाले बुद्ध परस्तों ने अपने अपने धर्म गुरुओं और उनकी शिक्षाओं को त्यागना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ईसाई धर्म और उसके रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें सामाजिक ढांचा, जायदाद के हक और कानून भी शामिल थे। पर्शियन क्षेत्र में, जिसमें विभिन्न छोटी छोटी बाल्टिक जनजातियां शामिल थीं, यूरोप और ईसाई धर्म अपनाने वालों के बीच बचे आखिरी बुद्ध परस्तों में ये जनजातियां पिछड़ी हुई ही रह गईं। जो कुछ मैंने देखा उससे मैं डर गया और मैं मेरा आखिरी कन्फेशन याद करने लगा, जब पादरी ने मुझे बोला था कि लार्स, बुद्ध परस्तों को ईसाई बनाने का समय आ गया है। इन बुद्ध परस्तों के इलाके में रहकर तुम उनकी हर बात हम तक पहुंचाओ। वहां रहकर बड़ी सावधानी से छोटी बात ध्यान से सुनो और बारीकी से देखो। हमें उम्मीद है कि वापस आकर तुम उनकी हर बात हम तक पहुंचाओगे। परमेश्वर तुम्हारे साथ है बेटा। मैंने सुना था कि पिछले सैकड़ों सालों से पर्शियन इलाके में बुद्ध परस्तों के बीच परमेश्वर के उपदेशों से तौबा करने का प्रचार किया जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। पुजारी का गुनाह केवल इतना ही था कि अनजाने में या बदकिस्मती से जलाने वाली लकड़ियां लेने वो पवित्र जंगल में चला गया था। एक किसान ने उसे देख लिया और उसके इस अपराध की शिकायत कर दी। कुरसाइटिस ये जानता था, जहां बात परमेश्वर की हो, बुद्ध परस्तों का ये पुजारी को इस विवाद को सुलझाने के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। बुद्ध परस्ती से ट्रायल ऑफ द गॉड्स का नाम देते थे, हालांकि हमारे ईसाई धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बेगुनाह है या गुनाहगार, इसका फैसला बुद्ध परस्त जिस तरह से करते थे वो देखकर मैं दंग रह गया। एक पत्थर का टुकड़ा खौलते पानी में उबाला जाता है और जिस पर इल्जाम लगा हो उसे वो गरम पत्थर अपने हाथ में कुछ देर तक पकड़ना पड़ता है। बदकिस्मती से पुजारी इतना गरम पत्थर अपने हाथ में पकड़कर कुछ देर नहीं ठहर पाया, इसीलिए उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। जिस तरह से इस जाति के लोग एक अपराधी को मिलती सजा देखने के लिए इकट्ठे हुए और इतने खुश हो रहे थे, ये देखकर मेरे जिस्म का खून जम सा गया। दूसरी बाल्टिक जनजातियों की तरह पर्शियंस ने भी पत्थरों, झरनों और पुराने पेड़ों जैसी कुदरती वस्तुओं से कुछ खास जगह बनाई हुई थी, जहां पर वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का आयोजन किया करते थे। लिखित कहानियों में पर्शियन लोगों के महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख मिलता है। रामोडिया ऐसे स्थान पर जहां बुद्ध प्रस्त पूजा करते थे, और उच्च कोटि के पुजारी उनकी देखरेख किया करते थे। बुद्ध प्रस्तों का विश्वास था कि पूर्वजों की आत्माएं पवित्र जंगलों में रहती हैं। वास्तव में दुनिया भर में ओक का पेड़ प्राचीन पर्शियन लोगों का प्रतीक था। उनका मानना था कि ओक की शाखाओं में परमेश्वर का वास है। पर्शियंस आकाश के देवता, धरती के देवता और अन्य जीवों की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि जंगलों और अन्य जीवों में देवी देवताओं का वास रहता है। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज इन देवी देवताओं पर निर्भर रहती थी, जैसे मौसम, उत्सव, बच्चे का जन्म, पुनर्जन्म और युद्ध में जीत के लिए किस्मत का साथ। ये अपनों के लिए भोजन और जानवरों की बलि दिया करते थे। एक आर्कियोलॉजिकल ने पत्थर में एक देवता और 200 घोड़ों के अवशेषों की खोज की थी। लार्स की ये यात्रा गैलिंडियन और जेट विंग्स के बीच जारी थी। मध्यम युग के आरंभ में इन इलाकों की आबादी बहुत कम हुआ करती थी और पड़ोसी ईसाइयों के साथ होने वाले युद्ध में या तो मारे जाते थे या उनमें शामिल हो जाते थे। गैलिंडिया की धरती पर बस कुछ ही लोग बचे थे, जो कि घने जंगलों से घिरे हुए थे और इनमें जंगली जानवर घूमते रहते थे। महलों का त्याग हो चुका था और बिना शहर के मैं कोई व्यापार नहीं कर सकता था। कोर्शेटेट गैलिंडियन लोगों की रीति को अच्छे से जानता था कि जब यात्री इनसे भोजन या सुरक्षा की प्रार्थना करें तो ये यात्रियों को मना नहीं करते थे। इसलिए हमने उनसे रात ठहरने की प्रार्थना की और हमें गैलिंडियन लोगों के खेतों में प्रवेश करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। ज्यादातर परिवारों के नजदीकी लोग किलाबंद किस्म के घरों में इकट्ठे रहते थे। ज्यादातर घर लकड़ी के लट्ठों से बनाए जाते थे, जिन्हें सीधा सीधा जमीन पर बिछा दिया जाता था। घरों की अधिकतर खिड़कियां छोटी हुआ करती थी और या तो जानवरों के ब्लैडर्स और या लकड़ी के शैडर से सील बंद किए जाते थे। घरों की छतों को स्प्रूस यानी भोजपत्र से कवर किया जाता था। किताबों में मिली ड्राइंग से मालूम पड़ता है कि गैलिंडियन लोग पेजिडेंशियल टॉवर्स का निर्माण भी किया करते थे, जिसकी ऊंचाई उनके रुतबे का प्रतीक हुआ करती थी। उनका खाना पीना लगभग हमारे ही जैसा था। ये लोग फलियाँ, जड़ वाली सब्जियाँ, चुकंदर, गाजर, प्याज और लहसुन खाते थे। सर्दी से निपटने के लिए खाए जाने वाले जानवरों को नमक लगाकर बैरल में रखा जाता था। मेरे लिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि पिजन्स चिमनी नहीं बनाते थे। यहाँ तक कि धनवान लोग भी इस बात से अनजान थे कि हर घर में चिमनी होनी ही चाहिए। गैलिंडियन लोग उनका प्रिय भोजन परोसा करते थे, जिसे स्वीडनी के नाम से जाना जाता था। राय फ्लावर से स्वीट ब्रेड बनाए जाते और इन्हें चर्बी में पकाया जाता। ईमानदारी से बताऊं तो ये स्वीडनी का स्वाद कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद लगी भूख के कारण हमें जो मिला हम खाते गए। उस रात हमारी सेवा के लिए घर के मालिक की पत्नियां और उनके गुलाम हाजिर थे। अन्य बाल्टिक जनजातियों की तरह गैलिंडियन लोगों में भी एक से अधिक पत्नियां रखना आम बात थी। मैंने जो खास बात देखी कि हमारे मेजबान अपनी सबसे छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षित थे, जबकि सबसे बड़ी पत्नी घर की जिम्मेदारी संभालती और बीच वाली अपनी तरफ ध्यान खींचने के प्रयास करती रहती। मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि इन जनजातियों की औरतें उन औरतों से अच्छी थीं जिन्हें ईसाई मत के अनुसार पाल पोष कर बड़ा किया गया, और कई मामलों में तो बहुत ही अच्छी थी। अगली सुबह कोर्शेटेट बहुत परेशान था और उसने मुझे बताया कि कल रात को जो भी हुआ नौकर ने सब देख लिया। गैलिंडियन द्वारा की जाने वाली सेवाओं की भी एक सीमा रेखा थी, इसलिए हमें वहां से जल्दी निकलना था। कोर्शेटेट ने मुझे उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में सचेत किया था, लेकिन एक शादीशुदा बुतप्रस्त औरत के साथ हम बिस्तर होना मुझे किसी भी तरह से कोई भी पाप नहीं लगा। अचानक जिन गैलिंडियन लोगों को लगा कि उनका अपमान किया गया है, हमें मारने के मकसद से उनके द्वारा छोड़े गए तीर और आदमी हम तक पहुंचने लगे। हमारा पीछा करने के लिए उसने अपने परिवार और अपने नौकरों की सहायता ली। खुशकिस्मती से कोर्शेटेट को मालूम था कि पवित्र जंगल दरिया के उस पार है और गैलिंडियन लोग वहां घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे साथी यात्री ने मुझे योटविंग्स और सुडोवियंस राज्य तक जाने के लिए पत्र दिया था। परमेश्वर मेरे साथ था और हम लोग हमला करने वालों से बचकर निकले और मुझे इलाज करने के लिए एक स्थानीय हकीम भी मिल गया जिसने मुझे फिर से चलने फिरने के लायक कर दिया। मध्यकालीन युग में छोटी से छोटी बीमारी या चोट से इंसान की जान भी चली जाती थी। खराब भोजन, कठोर मौसम और स्वच्छता की कमी या इलाज की कमी के कारण मनुष्य का औसत जीवन 25 से 30 साल तक का ही था। बचपन सबसे मुश्किल भरा होता था और आधे से ज्यादा बच्चे जिंदा नहीं रह पाते थे। हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर कुरासाइटिस ने हमारी जिंदगी बचा ली, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और बेचैन था कि उसने अपने पेगन के देवी देवताओं के नियमों की उल्लंघना की और अब वो उनके प्रकोप से डरा हुआ था। पश्चाताप करने के लिए कुरासाइटिस ने अपने सिर के बालों की बलि दे दी। ऐसा करके उसने कुछ समय के लिए खुद के रुतबे को गिरा दिया और गुलामों जैसा रूप बना लिया। मुझे अभी भी बुखार था और मुझ पर बेहोशी छाई हुई थी। बाद में कुरासाइटिस ने मुझे बताया कि मेरे ये जख्म किसी मनुष्य के भरने से नहीं भरेंगे, इसलिए हमें सहायता के लिए पेगन के देवी देवताओं की शरण में जाना होगा। उनके धर्मगुरु जातवी ने मुझे ठीक करने के लिए बकरी की बलि दी। ये रस्म मुझे किसी पार्टी की तरह लग रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे पैसों से हिरण खरीदा और उनकी जाति के हर व्यक्ति ने इसमें हिस्सा लिया। बुत परस्तों के देवता मुझे बहुत डरावने लगे। हम अपने देवता के सत्कार में उसे ब्रेड और वाइन की भेंट चढ़ाते हैं और इनके देवता जानवरों की बलि और खून मांगते हैं। पंद्रह सौ ईस्वी में ल्यूथरन थियोलॉजियन द्वारा लिखी किताब में जेट विंगर में बकरे की बलि के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईसाई मत के अनुसार जेट विंगर में बकरे की बलि देने वाली इस प्रथा को शक की नजर से देखा जाना चाहिए। बलि चढ़ाए गए जानवर के खून को एक कटोरे में डालकर इस प्रथा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर छिड़का जाता था और बचे हुए खून का इस्तेमाल अपने घर और पालतू जानवरों को प्रकोप से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रथा का प्रमुख हिस्सा तो वो था जब बलि दिए गए जानवर का मांस पकाया जाता था और मांस के पकने के दौरान मांस पकाने वाले व्यक्ति गेहूं और बकव्हीट से बने ब्रेड को चूल्हे के इस पार से उस पार एक दूसरे की तरफ उछालते थे और तब तक उछालते थे जब तक वो ब्रेड तैयार नहीं हो जाती थी। जो धर्मगुरु मांस पकाता था वो जलती हुई आग में से एक जलता हुआ कोयला निकालकर अपने सिर पर रखता और फिर उसे वापस चूल्हे में डाल देता। इस पूरी प्रथा के दौरान एक खास किस्म का वाद्य भी बजाया जाता था। मेरा जख्म चमत्कारी ढंग से भर गया और मेरी खोई हुई ताकत फिर से लौट आई। मैं नहीं जानता ये परमेश्वर की कृपा थी या बुद्ध प्रस्त लोगों द्वारा किए जाने वाले जादू टोने का चमत्कार। बस मैं दोबारा तंदुरुस्त हो चुका था और बुद्ध प्रस्त लोगों की जीवन शैली के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकता था। स्वस्थ होने के बाद लार्स लिथुनिया के लिए निकल पड़ा। लिथुनिया और ऑक्सटैचियन के लोगों को विभिन्न इतिहासकारों ने शक्तिशाली, आतंकवादी और असभ्य बताया है, जो कि अपने पड़ोसी इलाकों में आतंक मचाए रखते थे। लिथुनिया के हैनरिक क्षेत्र के इतिहास में बताया गया है कि साल 1205 में लिथुनिया के तकरीबन 2000 घुड़सवार एस्टोनियन इलाके की तरफ लूटपाट किया करते थे और वापसी में व्यापारिक शहर रीगा को बर्बाद करने के लिए निकलते थे। इतिहास के पन्ने पलटने से मालूम पड़ता है कि लिथुनियन के वासी मरने से नहीं डरते थे। उनके लिए युद्ध में जान गंवाना सम्मान की बात थी। दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण के बजाय कभी कभी वो खुद की जान ले लिया करते थे और ये बात ईसाई मत से बिल्कुल उलट है। ईसाई मत के अनुसार आत्महत्या करना बहुत भयानक पाप है और किसी ईसाई के लिए इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। ईसाई धर्म योद्धाओं द्वारा दी जाने वाली धमकियों ने मिंडोगस के शासकों को लिथुनिया और ऑक्सटेशियन के राजाओं को हराने के लिए उकसाया, जिससे इन देशों को मिलकर लिथुनिया की एक विशाल डची बनाया जा सके। मिंडोगस ने ईसाई धर्म को अपनाया और पोप इनोसेंट IV के आशीर्वाद से उसे बादशाह का ताज पहनाया जाता। हालांकि फिर उसे पड़ोसी ईसाइयों द्वारा दी जाने वाली सैन्य धमकियां मिलनी कम हो चुकी थी। उसने अपनी नई आस्था को त्याग दिया और अपने इलाके के सभी भिक्षुओं और धर्म गुरुओं को समाप्त कर दिया। इसके गौरवशाली दिनों के दौरान 15वीं शताब्दी में विशाल डची अपने महत्वपूर्ण सेना के संग यूरोपियन राज्यों का सबसे बड़ा राज्य बन गया था, जिसने विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ मिला लिया। मैं कर्नावे पहुंचा, जिसे लिथुनिया की विशाल डची में सबसे विशाल और महत्वपूर्ण माना जाता था। ना ही कुर्साइटिस और ना ही मैंने कभी 5 किलों वाला नगर देखा था। संभव है कि मैं डेनमार्क वापस जाऊंगा, तब ये सब सुनने वाले स्तब्ध रह जाएंगे। पाषाण युग से ही कर्नावे की जनसंख्या काफी अधिक थी। मध्यकाल की अन्य बस्तियों की तरह यहाँ पर सुरक्षा दीवारें नहीं थी, किंतु मर्शी नदी के निकट दलदली भूमि थी। अपनी इस लाभकारी भूगोलिक स्थिति के कारण ये नगर सुरक्षित था। शांतिमय समय के दौरान यहाँ के निवासी किले के नजदीक बने गांव में रहते थे। संभावित घेराबंदी के दौरान किले में सुरक्षित स्थान की तलाश की जा सकती थी, जहां हर स्थान पर 300 लोग रह सकते थे। और फिर मैंने कर्नेव को पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे अन्य जातियों के जीवन शैली की एक निश्चित समझ है, किंतु फिर एक बार मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने यहाँ पूर्वी या बिजेंट पुजारियों के बारे में सुना और ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो लोग इस नगर में चर्च बनाने में कामयाब हो गए थे। एक कैथोलिक होने के नाते ये पूर्वी आस्था मेरे लिए अनजान थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ के पादरी से बात कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग एक ही परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन यहाँ का पादरी मेरे खिलाफ भड़के अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई। हो सकता है ये सब इसलिए था क्योंकि मेरे लोगों ने बिजेंटिन सेंटर के केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया था। शायद वो हर कैथोलिक पर ऐसे ही गुस्सा होते होंगे, लेकिन सच में मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ या मैं हमारी उस हरकत को सही ठहराने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन हाँ का मतलब हाँ, मैं कर्नावे में कुछ घोड़े खरीदने में कामयाब हो गया जिससे हमारी आगे की यात्रा आसान और तेजी से पूरी हो पाएगी। मैंने वो वस्तुएं भी खरीद लीं जो मेरे दिमाग में थीं। घोड़ों का व्यापारी अपने नजदीकी इलाकों में काफी मशहूर था। उसने मुझे मशवरा दिया कि मुझे उत्तर की तरफ जाना चाहिए जहां काफी शाही महल मौजूद हैं और जहां और शानदार नदी बहती है जिसका नाम दाउगावा है। सौ के दशक में रोमन सैनेटर और इतिहासकार टैसिटस ने अपनी प्रसिद्ध उपलब्धि कर्मानिया में बाल्टिक जनजातियों के पूर्वजों का वर्णन किया है। वो अनाज और पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर फल उगाते थे और आमतौर पर आलसी जर्मनों की तुलना में अधिक इच्छा शक्ति और धैर्य से काम किया करते थे ताकि प्रसिद्ध नदी दाउगावा पर कब्जा किया जा सके। लार्स और उसके साथियों को सेलोनिया के जंगली इलाकों से गुजरकर जाना था। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक सेलोनिया क्षेत्र ने 300 किलों सहित कई जिलों और सल्पिल्स के शहरों को केंद्र के रूप में समेट लिया। सेलोनिया में मैंने कुछ अविश्वसनीय घटनाएं देखी जो ईसाई धर्म में असंभव थी। भीषण गर्मी के मौसम में ये बुतपरस्त न केवल अपने पशुओं को सजाते और आस्था के गीत इस उम्मीद में गाते कि उनकी फसलों की पैदावार खूब अच्छी होगी, बल्कि जरूरत से ज्यादा अश्लीलता में समय बिताया जाता, जबकि आम तौर पर वो ऐसा नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगा जैसे हर जगह परमेश्वर की निंदा ही निंदा हो रही है और जिनमें अनेकों स्त्री और पुरुष शामिल हैं। बुद्ध परस्तों की ये मान्यता सही हो सकती है कि संपूर्ण गर्मी का मौसम महिलाओं के गर्भवती होने का उत्तम समय है। फिर जो बच्चे मार्च में पैदा होंगे उनका नाजुक शरीर वसंत की धूप में सांस लेगा और जानवरों के लिए भी उनकी सही मान्यता थी। संक्रांति उत्सव के रहस्य और उसे जीवंत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता ली जाती है। एथनोग्राफिक अनुसंधान और लोगों की धारणाओं से पता चलता है कि बाल्टिक जनजातियों को नशीले पौधों का काफी गहरा ज्ञान था। चारागाहों में दुनिया की सबसे नशीली मशरूम को उगाया गया। यहाँ के जंगलों में रेड फ्लाई मशरूम भरपूर मात्रा में पाई जाती थी, जो कि सामी शामन्स और वाइकिंग में बहुत पसंद की जाती थी। संभव है कि भांग, बुरोट, पोस्त, मगवॉट, मार्श, लेब्राडोर टी, हैनबेन और बेलाडोना को भी रीति रिवाजों में दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि बाल्टिक जनजातियों के लोक वनस्पति विज्ञान के बारे में और अधिक शोध की आवश्यकता है। शिखर की गर्मी के दौरान लोग अंधेरे पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाते हैं। अग्नि को सूर्य, जिंदगी का देवता, उपजाऊपन, गर्मी और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। साल के सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात के दौरान लोगों ने शुद्धिकरण के अनुष्ठान में भाग लिया, जो नए जीवन का प्रतीक और मौत के खिलाफ एक संघर्ष है। इस महोत्सव में समाज के सभी समूहों का स्वागत किया गया। अपने आसपास की अलौकिक शक्तियों को बुलाने के समय सभी के साथ समान व्यवहार किया गया। शिखर की गर्मी के दौरान बुद्ध परस्तों द्वारा आयोजित इस अनुष्ठान के बाद मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बदलाव तो आया ही था। ये बुद्ध परस्त पूरी तरह से केवल प्रकृति के साथ जीते हैं और मुझे भी ऐसा ही लगा। ऐसा लग रहा था ये सब परमात्मा की अनुमति से हो रहा था और मैं भी इसका एक हिस्सा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि क्या मैं पृथ्वी के सबसे उच्चतम जीवों के साथ खड़ा हूं या सिर्फ किसी बड़े समागम का एक हिस्सा भर हूं। यात्रा करते करते हम लताकलन और दाउगावा नदी तक पहुंच गए। ये नदी बहुत ही गहरी और चौड़ी थी। इसे पार करने के लिए हमें माझी को पैसे देने पड़े। तेरहवीं शताब्दी में इलाके में रहने वाले 50 से 70 हजार लोगों के बीच गैलिंडियन बाल्टिक जनजाति के बीच सबसे अधिक मशहूर थे। कैथोलिक वेस्ट और ऑर्थोडॉक्स ईस्ट के बीच दाउगावा नदी का बहुत ही लंबा और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। स्कैंडिनेवियन स्लेव्स और उत्तरी जर्मन के व्यापारियों ने दाउगावा पर नियंत्रण करने के लिए ठगी, बल प्रयोग का गठबंधन के प्रलोभन का प्रयोग किया। लेडगार्लन के निवासी जो नदी किनारे रहने वाले लोगों को अक्सर व्यापारियों, ईसाई, पादरियों और धर्म योद्धाओं के साथ बैठक करने की पीड़ा झेलनी पड़ती थी। लेडगार्लन में कैथलिक और रूढ़ीवादी चर्चों के प्रतिनिधियों द्वारा ईसाई धर्म को फैलाया जा रहा था, जिन्होंने जनजाति के लोगों को आत्मिक तौर पर तैयार करने के लिए भरपूर कोशिश की। राजनीतिक समाज के उत्कृष्ट वर्ग के एक हिस्से ने ईसाई धर्म की शिक्षाओं के प्रभाव से खुद को धर्मांतरित कर लिया। हो सकता है अपने पड़ोसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें सहयोगियों की तलाश हो या दूसरी दुनिया में उन्हें खुद के लिए नए अवसर दिखाई दिए हों, जो कुछ विदेशी उनके लिए लेकर आए थे। ईसाइयों के धर्म युद्ध के दौरान दुश्मन और उनके सहयोगी परिस्थितियों के अनुसार अपना पाला बदलते रहते थे। लेटविया के इतिहासकार हैनरी ने पारंपरिक यूरोपीय हमलों का वर्णन किया है। वो लोग आसपास की जगह उजाड़ देते, घरों और गांवों में आग लगा देते और औरतों और बच्चों सहित कई बुत परस्तों को बंदी बना लेते। और ये लोग गाय, बैलों और घोड़ों को अपने कब्जे में ले लेते और 7 दिन के बाद बड़े ही उत्साह से अपने घरों को लौट जाते। बंदी बनाई गई महिलाओं को जबरदस्ती अपनी पत्नी, रखैल या गुलाम बना दिया जाता। सबसे बड़े दुश्मन के सिर को किसी ट्रॉफी की तरह सजाया जाता और बाद में उस सिर को उन परिवारों को बेच दिया जाता जो अपने सदस्य के सिर की कीमत देने को तैयार हों, ताकि मरने वाले का अंतिम संस्कार रीति रिवाज से किया जा सके। बेशक मैंने इन बुत परस्तों के इलाके में काफी समय बिताया था, पर इससे पहले मैं कभी जर्मनी के धार्मिक योद्धाओं से नहीं मिला था। कुरुसेट ने मुझे समझाया था कि कभी कभी बुत परस्त और धर्म योद्धा संयुक्त बल के तौर पर एक साथ मिलकर चलते हैं। दोनों पक्षों ने दुश्मन को हराकर अपना अपना फायदा उठाया और लूटपाट की संभावना बढ़ गई। मेरी समझ में ये नहीं आया कि दुश्मन एक साथ मिलकर कैसे चल सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का संदेह था कि असंभव सा ये गठबंधन शायद ईसाई धर्म की शिक्षा के प्रचार को बुत परस्तों में फैलाने में सहायक हो रहा होगा। धर्म योद्धाओं ने ईसाइयों को जमीन, धन दौलत और यहाँ तक कि आलीशान जीवन पाने का अवसर प्रदान किया। ईसाई धर्म को फैलाने जैसे मुश्किल काम के बदले लूटपाट को उचित वेतन के तौर पर देखा जाता था। हालांकि बुत परस्तों के इलाके में रहने वाले हर किसी ने लालच में आकर इन धर्म योद्धाओं की बात नहीं मानी। कॉर्स्टोजेनिस का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। रोमन साम्राज्य के पड़ोसियों के साथ कैथोलिक आस्था का परिचय होना बहुत जरूरी था। धर्म योद्धा बहुत थोड़े समय के लिए बुत परस्तों से युद्ध किया करते थे, लेकिन जीते हुए इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्थायी सैन्य बल की आवश्यकता होती थी। अच्छे स्वभाव का अनुसरण करते हुए रीगा के भूमध्य सागरीय इलाके में शूरवीरों को पहला क्रम बनाया गया और उन्हें लिवोनियन ब्रदर्स ऑफ द स्वॉर्ड का नाम दिया गया और उन्हें वीर सन्यासियों के रूप में शामिल किया जाता था। एक पुजारी ने हमें योद्धाओं के शिविर में रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। इस कीमत पर मेरे राजा वाल्डेमर को जमीन मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा शायद वो इतना आसान भी नहीं है जैसा कि वो सोचता है। जर्मनी के व्यापारी और धर्म योद्धाओं ने यहाँ सभी कुछ स्थापित कर लिया था और ये लोग अपने जीवन के पलों को बुत परस्तों के साथ साझा कर रहे थे। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने सफलता से लूटे गए माल को साझा किया। लूटपाट का कुछ हिस्सा ईश्वर की भेंट भी चढ़ाया गया, नया केवल बुत परस्तों द्वारा बल्कि उनके द्वारा भी जो सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। मैं मेरे अपने धर्म को मानने वाले भाइयों की इस हरकत से हैरान था। यहाँ तक कि डेनमार्क और दूसरे इलाकों में रहने वाले ईसाई भी बुत परस्तों के देवताओं की पूजा में लीन थे, लेकिन बुत परस्तों द्वारा खुलेआम की जाने वाली ये पूजा किसी पाप से कम नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि पुजारी भी ऐसे दिखा रहा था जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। यात्रा करते करते लार्स एक शहर तक पहुंच गया जो अह नदी के किनारे बसा हुआ था और अब जिसे गोया के नाम से जाना जाता है। गोया और दाउगावा के आसपास के इलाकों में फिनो अग्रिक जनजातियां रहती थीं। गैर ईसाइयों के इस इलाके में बाल्ट्स, स्कैंडिनेवियंस और बाल्टिक सी फिन्स रहते थे। ना तो फिन्स और ना ही लिवोनिया के लोग बाल्ट थे, लेकिन बाल्ट इलाकों का मध्यकालीन इतिहास आह इलाके में रहने वाली फिनो अग्रिक जनजाति के बिना अधूरा है। फिनो अग्रिक लोगों के पास जीवात्मा को लेकर वैश्विक नजरिया था। प्रकृति से संबंधित हर चीज आपस में जुड़ी हुई थी और अमर आत्मा में विश्वास किया जाता था। हो सकता है बाल्ट्स ने फिन्स और लिवोनिया के लोगों से सीधे कई मिथक देवताओं को अपनाया हो, जैसे धरती, जंगल, हवा और समुद्र। बुतप्रस्त लोग प्रकृति के सभी रूपों को समान रूप से सम्मान देते थे। ऐसा माना जाता है कि बुतप्रस्त पेड़ों, चट्टानों, हवा आदि को शाब्दिक या वास्तविक रूप में पसंद नहीं किया करते थे। उनकी पूजा करने वाली चीजें कुछ किसी ऐसी खिड़की जैसी होती थी जिसके दोनों तरफ देखा जा सकता हो। प्राकृतिक वस्तुओं को बिचौलिए की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिनके माध्यम से अनजान रहस्यों को उजागर की जाने जैसी धारणाएं जुड़ी हुई थी। मैंने खुद को लिवोनिया के बहुत बड़े व्यापारिक बाजार में पाया, जो कि टूरोडिया के किले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था, जिसे टोर का बाग भी बोला जाता है। मैंने नमक के एक व्यापारी से बात की जो जर्मन से आया था। उसने मुझे शिकायत के तौर पर बताया कि बुत परस्तों के साथ व्यापार करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर शासक बिकने वाली हर वस्तु पर कुछ पैसों की वसूली करना चाहता है। एक व्यापारी होने के नाते मैंने उसका दर्द समझा और उसकी उम्मीद में सहमति जताई कि एक दिन इस इलाके में भी हर काम ठीक से होने लगेगा। मुझे यहाँ की स्थानीय भाषा बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन फिर भी यहाँ व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। पूरी दुनिया में इशारों की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। वस्तुओं की खरीदारी बहुमूल्य नमक और मोम देकर की जा सकती है, जो नाप तोल करने में भी आसान है। बाल्टिक समुद्री क्षेत्र के आसपास खरीदो फरोख्त के लिए जिस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता था वो 200 ग्राम चांदी का एक टुकड़ा था, जिसे ऑजरिंग कहते थे। मुद्रा की छोटी इकाइयों को साधारण तरीके से काट दिया जाता था। ऑजरिंग को घोड़े की लगाम माना जाता था। एक ऑजरिंग को एक घोड़े के समान माना जाता था। 13वीं शताब्दी में बाल्टिक समुद्री क्षेत्र में एक घोड़े को 3 गायें, 20 भेड़, 10 सूअर या एक गुलाम के बराबर माना जाता था। मैंने फैसला किया कि बुतपरस्तों के इलाके से बढ़िया मोम लेकर डेनमार्क वापस जाऊंगा। इस तरह के सामुद्रिक इलाके के जंगल में बहुत सारे मोम के पेड़ थे, जिसकी वजह से मोम यहाँ काफी सस्ता था। मैंने सुना है कि पश्चिमी यूरोप में कई चर्चों, मठों और जागीरदारों के घरों को मोम की मदद से चमकाया गया है, जो मोम इन बाल्स ने इकट्ठा किया था। मैंने मेरी आखिरी तलवार और भाले के बदले कुछ मोम के पहिए खरीद लिए। मैं इन्हें डेनमार्क ले जाकर बेचने और अपना भाग्य बनाने की योजना बना रहा था, और मैं चाहता था कि इसमें कुछ मोम मैं अपने खुद के आनंद के लिए रख लूं। फर, अनाज और लिनन जैसी उच्च मांग वाली वस्तुओं के अलावा तुरायदा की मंडी में महिला गुलामों की पेशकश भी की जाती थी। कुर्साइतिस ने एक महिला गुलाम को पहचान लिया और उसको लेकर मुझे इशारा किया। गैलिंडियन जमींदार की दूसरी बीवी को यहाँ देखकर मेरी हैरानी की सीमा ना रही। उस बेचारी को गुलाम की तरह बेच दिया गया था, लेकिन मैं ना तो अपने बिस्तर और ना ही अपने घर में उसकी कल्पना कर सकता था, इसलिए मैंने एक दूसरी दासी को चुना। वो देखने में बहुत सुंदर थी और जैसा कि व्यापारी ने बताया कि वो स्वभाव से विनम्र और आज्ञाकारी है। मैंने काफी हद तक बुत परस्तों के इलाकों को देख लिया था, इसलिए मैंने घर वापस चलने का फैसला किया। मैंने नदी के रास्ते रीगा के बंदरगाह शहर तक जाने का फैसला किया, जहां मुझे समुद्र के जमने से पहले डेनमार्क जाने के लिए यातायात का कोई साधन मिल जाए। अपनी यात्रा के दौरान लार्स ने जो शहर देखे, रीगा श्रेणी उनसे बिल्कुल अलग थी। जर्मनी, गॉफलैंडिक और डेनिश के व्यापारियों के आने से लिवोनिया में दो छोटी बस्तियों को एक साथ बसाया गया और इस तरह रीगा का निर्माण हुआ, जो बाद में लिवोनिया में एक बड़ा शहर बनकर उभरा। कुछ ही दशकों में खेतों, गोदामों, चर्चों, मठों और कई महलों की सुरक्षा के लिए रीगा में डोलोमाइट चट्टानों की दीवारें बनाई गयी। लिखित सूत्रों के अनुसार रीगा का वर्णन दुश्मनों की भूमि पर एक प्रवासी चौकी के रूप में किया गया है और शैतानी इलाकों में ईसाइयों का दुर्ग गर्व से ऊंचा खड़ा है। रीगा में ईसाई धर्म का चलन तब शुरू हुआ जब 13वीं शताब्दी में ईसाई धर्म जर्मन के व्यापारियों के जहाजों के साथ यहाँ पहुँचा। व्यापारी लोग बुत परस्तों के बीच कोई प्रचार करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो इस इलाके में नशे के व्यापार के लिए नए रास्ते बनाने के लिए आए थे। धर्म योद्धा यहाँ व्यापारियों के लिए फायदे का सौदा साबित हुए, जो ईसाई धर्म फैलाने के बहाने कमजोर तबके के लोगों को अपने वश में कर सकते थे। सबसे पहले लिवानी और फिन्स का सामना इन व्यापारियों से हुआ था। ये लोग बाल्टिक सागर के पूर्वी भागों की पहली जनजाति भी थी, जिन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। बुत परस्तों को जबरन ईसाई बनाया गया। इन बातों में विरोधाभास है और इतिहास इसका गवाह है। ईसाई धर्म में अपनी मर्जी से और जबरन दोनों का वर्णन मिलता है। लिथुनिया और इतिहासकार हैनरिक बताते हैं कि कैसे बुत परस्तों का जनसमूह ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ, लेकिन इसके बाद ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इसी इतिहासकार ने बताया है कि कैसे लिवोनिया के कुछ निवासियों ने ये सब नकार दिया और समारोह समाप्त होने के बाद दाउगावा नदी में डुबकी लगाकर कुछ का शुद्धिकरण किया। उनका विश्वास था कि ऐसा करके वो ईसाई धर्म को जर्मन वापस भेज रहे हैं। ये हैरान करने वाला संयोग ही था कि रीगा में मुझे मेरे पिता के दोस्त मिल गए। ये वही व्यापारी थे जिन्हें मैं ट्रुसो में मिला था। उन्होंने बताया कि रीगा बहुत कम समय में डेनमार्क और गॉटलैंड जैसा बड़ा शहर बन चुका था। उन्होंने मुझे समझाया कि जितनी जल्दी हो सके जर्मनी और गॉटलैंड के व्यापारियों के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दूं। उन्होंने समझाया कि रशियन और कॉन्स्टिनोपल के व्यापारियों का रास्ता सुरक्षित करने के लिए जर्मनी के व्यापारी जल्दी दाउगावा पर अपना कब्जा जमा लेंगे। बाजार में एक जगह मैंने रंगमंच का प्रदर्शन देखा। ये एक चलता फिरता रंगमंच था जिसमें एक दुभाषीय का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस नाटक में परमेश्वर के दूत और ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन जब मैंने दर्शक बने बैठे बुद्ध परस्तों की तरफ ध्यान दिया तो मुझे समझ आ गया कि दर्शकों में किसी को भी नाटक देखने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। उन्हें आंतरिक शांति और अनंत जीवन का मार्ग दिखाया जा रहा था। लेकिन उन लोगों की शैतानी आंखें ये सब केवल मनोरंजन के तौर पर देख रही थी और वहाँ पागलों जैसी हंसी सुनाई दे रही थी। बुद्ध परस्तों के इलाकों से गुजरते इतनी लंबी और कठिन यात्रा करने के बाद मैं थक चुका था। जाहिर है मेरे जिस्म का हर हिस्सा थकान से टूट रहा था, इसलिए मैंने दाउगावा के सिस्टरशियन संतों के पास जाने का फैसला किया जो दिमाग और शरीर दोनों को दुरुस्त करना जानते थे। मध्यकालीन यूरोप में फ्लेबॉटमी और कॉर्नर स्टोन ही इलाज का जरिया थे। इस प्रकार के इलाज को हर प्रकार की मान्यता प्राप्त थी। ऐसी मान्यता थी कि शरीर में से शैतान का असर निकल जाने के बाद इंसान ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के आंतरिक और बाहरी तकलीफों को समाप्त करने के लिए नसों से खून निकालने का तरीका अपनाया जाता था। इसे बचाव के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। मुझे अभी भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं आंतरिक तौर पर बहुत मजबूत था और घर जाने के लिए तैयार था। हम लोग रीगा की तरफ जा रहे थे कि अचानक घटी एक घटना ने हमें रोक दिया। सूत्रों ने ओसल द्वीप से एस्टोनियन लोगों के 13वीं शताब्दी की शुरुआत में रीगा शहर की दीवारों के पास कई हमलों का वर्णन किया है। इतिहास में इन हमलावरों को ओसेलियंस कहा जाता है। वो ईसाइयों से खास तौर पर बुरा व्यवहार किया करते थे। उन्होंने जर्मनी के पुजारियों को प्रताड़ित किया, नए लिवोनियन ईसाइयों का अपहरण कर लिया और उनके किलों को लूट लिया। लार्स का अपहरण कर लिया गया और उसे समुद्री जहाज द्वारा इस्टोनियन द्वीप पर लाया गया। इस्टोनियन के लोग बाल्टिक फिनो अग्रिक लोग हैं जो लिवोनियन और फिन लोगों से संबंध रखते हैं और उन्हें प्रमुख द्वीपवासियों के रूप में जाना जाता था। इन लोगों के लिए ईसाइयों को हराना सबसे मुश्किल काम था। 13वीं शताब्दी में डेनमार्क के वॉल्डेमर द्वितीय स्वीडन की सेना रीगा के बिशप ने एकजुट होकर लिवोनियन ब्रदर्स ऑफ द स्वॉर्ड के साथ मिलकर उन्हें हराने के लिए हमले किए। ओसेलियंस लोगों की धर्म योद्धाओं को रोकने की क्षमता शायद उनके संगठन के कारण थी या द्वीप की भूगोलिक स्थिति के कारण या फिर उनका साहस जो बुद्ध परस्तों के देवताओं की आस्था पर आधारित था। लिवोन और एस्टोनियन लोगों के लोक गीतों में उनके देवताओं के नामों का जिक्र आता है। एक पुराना मिथक विचार हमें बताता है कि दुनिया शाश्वत पेड़ के इर्द गिर्द घूमती थी और आसमान में तारे जुड़े हुए थे। आकाश गंगा या फिर एस्टोनियन लोगों के अनुसार पक्षियों की गंगा इस पेड़ की शाखाएं थी, जहां पक्षी मृत लोगों की आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाते थे। ऐसे ही कुछ मिथक धारणाएं फिनो अग्रीक संस्कृति में भी पाई जाती हैं और लैपलैंड तक फैली हुई हैं। इतिहास में एस्टोनियन के भगवान थेरापीटा का जिक्र भी मिलता है जो सागर के ऊपर उड़े थे और ओसल में उतरे थे। मैं मेरे दूसरे साथियों से अधिक भाग्यशाली था कि उन्होंने मुझे जान से नहीं मारा। मेरे पिता के दोस्त की मौत मेरे लिए बहुत दुखदायी दुर्घटना थी क्योंकि उन लुटेरों ने डेनमार्क के दो आदमियों के लिए काफी बड़ी फिरौती मांगी होगी। अपने समय का सम्माननीय व्यापारी आज एक गुलाम बन चुका था। हमारे साथ किले में रहने वालों जैसा व्यवहार किया जाता था, कोई दुर्व्यवहार नहीं होता था, लेकिन खाने को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैंने काफी साल एक गुलाम बनकर गुजारे और मैं ये उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरा परिवार रकम देकर मुझे इस दुखदाई गुलामी भरे जीवन से निजात दिलवाएगा। दूसरे कैदी जो यहाँ काफी समय से गुलाम बनकर रह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम काम बढ़िया से करोगे तो तुम्हें घर का चेयरमैन बना दिया जाएगा। फिर मैंने बढ़िया से काम किया। मैं तुयू के नजदीक लोहार के लिए काम करके भाषा सीखी। उनके स्थानीय लोगों ने अयस्क निकाला और इसे पिघलाकर लोहा बनाया। जब मैंने तलवारें खरीदी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोहा कहां से आता है। ओसेल पर दलदले अयस्क की खुदाई और उसे निकालना मेरे लिए सबसे कठिन कामों में से एक था। कभी कभी जंगल के बाहर भट्टियां बनाई जाती थी। कभी कभी अयस्क से लोहे के टुकड़े निकालने में हमें कई कई दिन लग जाते थे। लोहार के यहाँ काफी आसान काम था, जहाँ मुझे लकड़ी जलाना और पानी लाना होता था। मुझे घंटों तक भट्टी को हवा देकर आग को जलाए रखना होता था। मैंने उस लोहार के लिए और भी बहुत सारे काम किए। समय के साथ साथ मेरा और उस लोहार का प्यार बढ़ता गया और वो मुझे एक पिता की तरह प्यार करने लगा, बल्कि एक माँ का प्यार भी मुझे उससे मिलने लगा। उस लोहार को अपने गांव में भी बहुत मान सम्मान मिलता था। कोई आश्चर्य नहीं कि घोड़े हमेशा धीमा दौड़ते थे। महिलाएं कांसे के जेवरों से सजी रहती थी, सुइयों से कपड़े सिला करती थी। लेकिन मेरे गुरु की सबसे अधिक सम्मानित कला थी हथियार बनाना। ओसेल के लोग खूनी तलवार को हमेशा अपने साथ रखने में विश्वास रखते थे। सूत्रों द्वारा किए वर्णन से मालूम पड़ता है कि ओसल के स्टोनियन लोग ईसाई धर्म के सबसे अधिक कट्टर दुश्मन थे। लिथुनिया के इतिहासकार हैनरी ने एक निर्मम घटना का जिक्र किया है। इस्टोनियन लोगों ने ईसाइयों के किले के जिंदा चेयरमैन का दिल निकाल लिया। उन्होंने उस दिल को आग पर भुना और फिर बांटकर खा लिया ताकि उनमें ईसाई धर्म से लड़ने का साहस पैदा हो। फिर उन्होंने उस मृत शरीर को कुत्तों और गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया। हम दावे से नहीं कह सकते कि ऐसा सच में हुआ था या फिर बुद्ध परिस्तों की ये कोई काल्पनिक कहानी है। जानवरों की दुनिया में कमजोर जीव को हमेशा भोजन बना लिया जाता है। इन जनजातियों की सोच भी इसी प्रकार की थी। हमलावर अन्य जनजातियों को केवल लूटपाट करने, उनके जानवर और हथियार लूटने, उन्हें गुलाम बनाने की नजर से ही देखा करते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कोई दूसरा कर देता था। लूटपाट करते समय मुझे कैदियों के रिश्तेदारों से बात करने के लिए बिचौलिए की तरह इस्तेमाल किया जाता। हमारे द्वारा पीड़ित लोगों के उदास चेहरों को देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय होता था। इन बुद्ध प्रस्तों के साथ रहते रहते मैंने एक बात तो सीख ली थी। अगर आप भेड़िए के साथ भागना जानते हैं तो आपको उसी तरह गरजना भी आना चाहिए। जैसे जैसे उनकी नज़र समुद्र से हटी, ओसल के लोग तबाह होते गए। वो खुद को बचाने के लिए पड़ोसियों की सेना में भर्ती हो जाते। मुझे लगने लगा था कि मैं भी ओसल के लोगों के बराबर हो गया हूँ, लेकिन मुझे किसी साधारण जानवर की तरह बेच दिया गया। लार्स अब कोरोनियन में पहुंच चुका था। प्राचीन कोरोनियन क्षेत्र में कई साम्राज्य स्थापित थे जो कि किले के आसपास बने हुए थे। स्कैंडिनेवियन और आर्टिसन व्यापारियों के बीच कोरोनियन के आसपास समझौता हुआ था और गॉटलैंड के पास ही पहली शताब्दी के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित किए गए थे। लिखित सूत्रों के मुताबिक कोरोनियंस स्वीडन और डेनमार्क के व्यापारियों में व्यापार से अधिक लड़ाइयाँ हुआ करती थी। कोरोनियन लोगों ने सदियों तक बाल्टिक सागर के इलाकों पर शासन किया, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद से उत्तरी जर्मन के व्यापारियों ने पहले से चल रहे व्यापारिक बाजारों पर अपना नियंत्रण करने के लिए धर्म योद्धाओं से फायदा लिया, बाद में जिसे हैनियाटिक लीग के नाम से जाना जाने लगा, ये सोचकर कि उनकी ताकत लगातार घट रही है। 1210 में कोरोनियन वासियों ने ईसाइयों के गढ़ रीगा पर धावा बोल दिया। 3 दिन की और कोरोनियन वासियों को मैदान छोड़ना पड़ा। जबरदस्ती कोरोनियन के इलाके में घुस गई। उन्होंने अपने मृत लोगों के शवों को इकट्ठा किया और वहीं आसपास लगभग 3 दिन बिताए, जहां उन्होंने मृतकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और उनका अंतिम संस्कार भी किया। कोरोनियंस वासियों का व्यवहार बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा था। वो किसी भी कीमत पर अपने जंगल छोड़ने को तैयार नहीं थे और वो अपने पालतू मवेशियों की तरह यहीं रहना चाहते थे। और उन्होंने एक सबक और सीख लिया था, अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ चले जाओ। जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन के साथ युद्ध में भयानक रक्तपात से बचने की उम्मीद में कोरोनियंस वासियों ने पोप के आशीर्वाद से ईसाई धर्म को अपना लिया। अब तक मैं अच्छे से समझ चुका था कि कोरोनियंस वासी अपने शक्तिशाली दुश्मन को धोखा देने के लिए केवल नाम के ही ईसाई बने थे, क्योंकि ये बुतपरस्त अपने प्राचीन देवताओं को भूलने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा शीर्ष के सर्दी के मौसम में मैंने कोरोनियंस वासियों को पवित्र जंगल में जानवरों का शिकार करते देखा, जहां उन्होंने इससे पहले न कभी कोई जानवर मारा और न कोई पेड़ काटा। सर्दी के सबसे छोटे दिनों के दौरान बुतपरस्तों ने चेहरों पर मास्क पहन लिए, इस विश्वास से कि उनके पूर्वजों की आत्माएं स्पष्ट दिखाई देंगी, जिस कारण वो अपने मृतक रिश्तेदारों और भगवान से बात कर पाएंगे। लैमकिंस को पता चला कि उनकी पड़ोसी जनजाति सैमोगीटियंस के लोग जर्मनी के धर्मयोद्धाओं से युद्ध करने का इरादा बना रहे थे, इसलिए उसने सैमोगीटियंस के राजा विकिंतस को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने की पेशकश की। इस सच के बाद कि वो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे और एक लाभकारी संयुक्त समझौते के लिए ये लड़ाई बाधक नहीं थी। मैं खूब हंसता अगर मुझे इस बात पर रोना नहीं होता कि कैसे अलग अलग तरीके से मेरे भाग्य ने मेरे रास्ते में बाधाएं पैदा की हैं। लैमकिंस ने मुझे महंगी वाइन के लिए बेच दिया जो चमड़े के एक थैली में भरी हुई थी। और 1235 में प्रभु के वर्ष में सर्दियों के दौरान कोरोनियन ने हथियारों के जखीरे के साथ सैमोगेटिया भेज दिया गया। विकिंतस अपने बड़ों के साथ आगे आगे चल रहा था और हम उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि हमारे साथ सामान भी था। यात्रा के दौरान मुझे महसूस हुआ कि वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लैमकिंस ने सैमोगेटिया के लोगों का आदर सत्कार किया, लेकिन शांति समझौते के बावजूद बर्फ पर मछली पकड़ते हुए लोगों पर कोरोनियन लोगों ने हमला कर दिया और उनकी मछलियां छीन ली। और यहाँ का यही रिवाज था और कोरोनियन लोग इसका पालन कर रहे थे। हमारा रास्ता मुश्किल और खतरनाक था क्योंकि पिघल जाने के कारण बर्फ काफी पतली हो चुकी थी। इसमें किसी को भी कोई हैरानी नहीं हुई और हमारे में से कुछ लोग बर्फ पर चलकर निकल गए और कुछ बदनसीब लोग इस बर्फीले पानी में अपनी जान गंवा बैठे। जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, अंतिम संस्कार के लिए उसका शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया, लेकिन गरीब नौकर पर किसी को दया नहीं आई, इसलिए हमने उनकी लाशों को भेड़ियों के लिए छोड़ दिया। लार्स, जो अब सामान को साथ लेकर सैमोजेटिया जा रहा था, बहुत से बाल्टिक लोग ईसाई धर्म के उपदेश देने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ा करते थे। धर्म युद्ध के दौरान जर्मनी व्यवस्था के प्रचार को रोकने के लिए सैमोजेटिया को भी युद्ध के मैदान में बदल दिया गया और उन लोगों ने 200 साल तक बिना डरे बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। सैमोजेटियंस लोगों को यूरोप के आखिरी बुत परस्त जनजाति के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को अपना लिया था। उनकी बस्तियां गहरे जंगलों और पानी के अंदर बने रास्तों वाली गहरी झीलों से घिरी हुई थी और इन रास्तों का पता केवल इन्हीं लोगों को था, इसी से तो वो हमलावरों से सुरक्षित रहते। सर्दियों में पानी के जम जाने से आना जाना आसान हो जाता था, इसीलिए इसी समय के दौरान ज्यादा व्यापार और लड़ाइयां भी हुआ करती थी। शोक सभा के दौरान मैं सैमोगेशियन के गांव पहुंचा क्योंकि ये सब मैंने बुत परस्तों के इलाके में पहले भी देखा हुआ था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मृतक के शरीर पर अंतिम संस्कार के समय पहनाए जाने वाले कपड़े और जूते पहनाए गए थे और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसका शव एक टेबल पर रखा हुआ था, जबकि उसके परिवार के लोगों ने खाया पिया और उपवास रखा। पूरी रात लोगों ने शोक व्यक्त किया और रिश्तेदार विलाप करते रहे। मरने वाले की पीछे छूट गई हर चीज की लिस्ट बनाई गई, जैसे कि बीवी, बच्चे, भेड़ें, गाय, घोड़े, बत्तखें और बाकी का सामान। उन्होंने रात भर शराब पी और प्रार्थना की कि उनके जो रिश्तेदार पहले मर चुके हैं वो मृतक का स्वागत करें। वहां पर केवल मृत व्यक्ति ही शांत था। यहां पर मैं अभी तक अजनबी था, इसलिए मुझे पास जाने की इजाजत नहीं थी। मैंने दूर से देखा कि कैसे उन्होंने दारू पी और फिर बर्तनों सहित ब्रेड के टुकड़े, नमक और कुछ हथियार कब्र में फेंक दिए। मैंने एक ऐसे शुल्क के बारे में सुना जो नदी के उस पार ले जाने के लिए मृतक द्वारा नाव चलाने वाले को दिया जाता था, इसलिए ये लोग जेवर और चांदी राख होने के लिए डाल दिया करते थे। इतने साल बुत परस्तों के बीच बिताने के बाद मैं खुद की पहचान भूल चुका था कि मैं ईसाई हूं या बुत परस्त। और कभी कभी मुझे हैरानी भी होती थी, क्या उनके देवता हमारे परमेश्वर का हिस्सा नहीं थे और क्या उनके पवित्र जंगल हमारे चर्चों जैसे नहीं थे? और गर्मी के दौरान उनके द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव क्या हमारे प्रभु के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले उत्सव के समान नहीं था? ऐसे विचारों से मैं घबरा गया और मैंने जल्दी ही ये सब सोचना छोड़ दिया। ईसाई होने के नाते निश्चित ही ऐसे विचार मुझे नरक में धकेल देंगे। बड़ी संख्या में धर्मयोद्धा सहयोगियों की तलाश में समुद्र किनारे उतरे थे। विकिंतस ने गठबंधन की उम्मीद में सेमगेलन के तारता में कुरियर भेजा और अपने पूर्व दुश्मनों के साथ धर्मयोद्धाओं को राह दिखाने के लिए एक योजना बनाई। मुझे अजीब सा एहसास हुआ जब मैंने सुना कि धर्मयोद्धाओं के युद्ध के प्रयास सफल हो रहे हैं। क्या मेरे आजाद होने का समय आ गया है? 13वीं शताब्दी में सेमिगेलियन की जनजातियों पर दो जिलों द्वारा शासन किया जाता था, तैरवैते और मेजुवैते। सेमेगेलियन और सैमोजेटिस के निवासी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और उनमें अक्सर लड़ाई होती रहती थी। धर्म योद्धाओं ने सभी टकरावों पर विराम लगा दिया। धर्म योद्धाओं से बचकर भागे कई सेमगेलर निवासियों ने सैमोजेटिया में जाकर शरण ली। बुतप्रस्तों द्वारा भविष्य के बारे में मालूम करने का तरीका मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ। वो लोग जानवरों की हड्डियों को आग में गिरा देते थे और धुएं की दिशा पर ध्यान लगाते थे और धुएं से उभरने वाली आकृतियों के अनुसार फैसला करते थे कि युद्ध के लिए जाया जाए या घर पर ही रुका जाए। सैमोगिट्स और सेमगेलियन एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आगे आए और मिलकर धर्म योद्धाओं पर हमला बोलने का निर्णय लिया गया। धर्म योद्धाओं ने लिथुनियन में लूटपाट मचाई और वो रीगा की तरफ लौट रहे थे ताकि वो सर्दी से पहले पहले उत्तरी जर्मनी में अपने घरों की तरफ कूच कर जाएं। धर्म योद्धाओं पर किया जाने वाला ये हमला एक ही बार में ही उन्हें हराने के मकसद से तैयार किया गया था। मेरे लिए यहाँ से निकल भागने का यही एक मौका था। सैमोगीटियन के मुखिया ने मुझे कहा कि हम तय करेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम विदुषियों के शासन में नहीं जीना चाहते। लार्स, तुम भी हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं कर भी क्या सकता था। मैं ये पाप का भागीदार बनने जा रहा था कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मुझे इस तरह की सजा देनी चाहिए। इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं कई रात तक परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता रहा कि वो मुझ पर दया करे। मेरी किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। कभी कभी तो मुझे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे बुला दिया है। खैर, मैंने भाला उठा लिया और अपने ही धर्म भाइयों के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। मैं जंगल की खुशबू और खून के स्वाद को महसूस कर रहा था और आज़ादी मिलने के एहसास से मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। हम जानते थे कि हमारा सामना धर्म योद्धाओं की पूरी टोली से होगा और मेरे सभी धर्म भाइयों के हाथ में तलवारें होंगी, लेकिन हमारी संख्या भी कम नहीं थी। लुथेनियन, सैमोगेटियन और सेमगेलर के लोगों को मिलाकर हमारी संख्या 5000 के लगभग थी। हमने भोर के समय हमला करने की योजना बनाई और हमारे फायदे के लिए दलदली भूमि का उपयोग करने का फैसला किया। इतिहास में बैटल ऑफ शॉलेन का काफी विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसका सीधा अनुवाद बनता है बैटल ऑफ द सन। प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार बुद्ध परस्तों ने धर्म योद्धाओं को काट डाला। धर्म योद्धाओं के गुरु वॉलक्विन ने धर्म योद्धाओं को किसी भी प्रकार के हमले के खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन धर्म योद्धाओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां रात रुकने के लिए डेरा डाल दिया। अगली सुबह बुद्ध परस्तों ने अचानक धावा बोल दिया और धर्म योद्धाओं को पकड़ लिया। घुड़सवारों की सेना ना होने का फायदा बुद्ध परस्तों को मिला और उन्होंने धर्म योद्धाओं को घेर लिया और मार डाला। धर्म योद्धाओं को बड़ी तेजी से और बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया गया। धर्म योद्धाओं ने लिथुनिया के इतिहासकार हैनरिक का मजाक उड़ाया था, जो कि उस समय की सबसे मशहूर कहानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्कॉफ के सैनिक, जर्मनी की सेना, हल्के जख्मी हुए लिवोनियंस के सैनिक, ईसाई और रूस के सैनिकों ने बुद्ध परस्तों का लोहा मान लिया और वो सभी वहां से भाग गए थे। पीछे हटने वाले सैनिकों को पकड़ लिया गया और सैमगैलर के लोगों द्वारा उनका वध कर दिया गया। शॉलेन के युद्ध में धर्म योद्धाओं के हर आदेश को समाप्त कर दिया गया, लेकिन नई सेना ने जल्दी उन्हें बदल दिया। बाल्टिक लोगों के लिए आस्था दयालु नहीं है। अगली कई शताब्दियों तक कई विदेशी ताकतें आईं और गईं, लेकिन बाल्टिक जनजाति ने अपनी खास पहचान बनाए रखी, जो प्रकृति के साथ ही जीना चाहते थे और उन्होंने आजाद रहने की अपनी इच्छा को